हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरे घर में दीदी आए हुए हैं, मेरी बड़ी दीदी और उनके छोटे लड़के। वो बोल रहे हैं कि हमें घुमाने के लिए ले जाओ, हम इधर ही घर के आसपास उनको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको दीदी का छोटा लड़का दिखाती हूँ। यह है मेरी दीदी का छोटा लड़का। जब हाय करो, हाय करो ना, हाय करो। इस बार कैसे निकाल रहे आगे से? इधर इधर हाय करो, हाय हाय। नहीं कहाँ जा रहा है पहले बता, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रोडच रोडच। जाफू क्या कर रहे हैं? नोजी साफ कर रहे हैं, नोजी साफ कर रहे हैं। हम सारे जा रहे हैं घूमने के लिए। ये भी जा रहा है, छोटा बोरा मुझे घुमा के लाओ। तो आरिस कहाँ जा रहे हैं? आरिस कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए। घूमने के लिए जा रहे हैं। हुसैन बताओ आप कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए। चलो चले फिर। तो क्या करने लगा? बाइक स्टार्ट करने लगा? ठीक है फिर, स्टार्ट बाइक, गियर मार लिए, चलो फिर। मैं पहुंच चुकी हूँ राजधानी होटल के पास और इस टाइम हम जा रहे हैं ऊपर घूमने के लिए। तो ये है राजधानी होटल। दुकानें बन रही हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ, हमारे पीछे पीछे गाय भी आ रही है कि हमारे पीछे आ जाए। तो क्या हालत इधर, मतलब कर दी ये कि ना हमारे पीछे आ जाए यार, इस पीछे जल्दी आ जा। नहीं आते। मैं क्या मतलब कटिंग कही है इस पहाड़ी को, क्या मतलब रोड कितनी खराब हो चुकी है, वो क्या मतलब हो चुका है इधर। ये है मेरा स्कूल लिटिल एंजल। बहुत मार खाई हुई है मैंने स्कूल में। मैंने नर्सरी से लेकर टेंथ तक यहीं इसी स्कूल में पढ़ा, लेकिन याद तो बहुत आती है स्कूल की, लेकिन जूते भी बड़े खाए हुए हैं स्कूल में मैंने। मैं वापस जा रहे, घुमा दिया मैंने छोटू को। और इस टाइम इधर तो कोई शॉप बंद है, शॉप्स तो बंद है। अब नीचे ही जाएंगे तो नीचे वाली शॉप पे छोटू को कुछ लेके देंगे। कैसे लगा घूम के? अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? इसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी और अंकल यहाँ से गुजरे, मुझे देख के बोलते हैं शाबाश शाबाश। वसीम नोबड़ा आया है। अब हम वापस भी आ गए, अब ये पीछे से आए। अब किस लिए आए हो? पहले बुलाया था, पहले आए नहीं, अब किस लिए आए हो? जाओ फिर इंजॉय करके आओ आप। ऐसे भी आपको हमारे साथ चलने में शर्म आती है, जाओ फिर अकेले जाके एंजॉय करके आओ। बस फिर से वसीम हमें लेके जा रहे हैं कि बोल रहे चलो ऊपर तक घूम के आते हैं। तो हुजाफ को मैंने भेज दिया वापस इंशा के साथ घर। तो आरिज और वसीम हम जा रहे हैं आगे तक घूमने के लिए। तो हमारे साथ जूली भी जा रही है, जूली भी हमारे साथ जा रही है। साइड तो बहुत ही ठंडा है और वसीम इधर ही खड़ा हुआ है, इसको बोल रही है चल लेकिन जा ही नहीं रहे। उनका वेट कर रहा है, मेरे कजन का वेट कर रहा है और मेरा भाई है उसके साथ। तो इधर तो बंदा कुल्फी बन जाएगा अगर यहाँ दो तीन घंटे खड़ा रहेगा। इधर तो बहुत ही ठंडा हो, यहाँ तो धूप का नाम ही नहीं। आप किधर जा रहे हो? अरे जेसीबी तुम नहीं अभी ले सकते, बाद में लेना जेसीबी। ये जेसीबी लेने के चक्कर में पड़ गए कि मैं जेसीबी को उठा के ले जा रहा हूँ। आ रही तेरे पीछे पीछे जूली आ रही है, आगे आ जाओ। मेरे को जूली से डर भी लगता है थोड़ा। वसीम टफर जा ही रहे हैं, अभी हम इधर लिटिल एंजल के पास खड़े हैं। तो पता नहीं अब कहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा कोई पता नहीं। अभी वापस जा रहे हैं हम, नहीं गया वसीम ऊपर तक, बोले चलो चलते हैं वापस। अच्छा आरिस भूख भी लगी है, आगे दुकान पे कुछ लेंगे दुकान से। तो चलते हैं, जूली भी पीछे पीछे आ रही है हमारी। ओहो इधर तो बहुत ज्यादा ठंड है, जल्दी करो धूप में चले, बंदा कुल्फी बन जाएगा इधर, भागो यहाँ से। ओह अब जाके सुकून मिला है धूप में पहुंच के। यहाँ पे तो है ना आरिस, यहीं पे डांस करे। हाँ इसको आरिस को मन कर रहा है यहीं पे डांस करे, चल हो जा शुरू फिर।
वापस जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्विक भैया की दुकान के पास। अब हम श्विक भैया की दुकान में जाएंगे और बाकी सारे आगे भाग चुके हैं। मैं और जूली पीछे ही, अभी जूली मेरे साथ साथ है। हाँ, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आराम से आ जाओ। श्विक भैया की दुकान से तो कुछ नहीं मिला हमें, बिल्कुल खाली हो चुकी है उनकी दुकान। अब कहीं नीचे ही जाएंगे, शायद क्या पता वापस घर ही जाएं। लेकिन आरिस को तो कुछ दे के ही देना पड़ेगा, नहीं तो आरिस रोना शुरू हो जाएगा। तो आरिस को मैंने बेचा दुकान पे, आरिस और वसीम दोनों दुकान पे गए हैं चीज लाने के लिए। अभी हम बाहर ही खड़े हैं, क्रिज स्टेशन के पास बाहर। देखते हैं फिर देखिए आगे क्या होता है, चलते हैं वापस। मेरे लिए वसीम ने सिर्फ एक ही चिंगम लाया और कुछ नहीं मिला इनको दुकान। आरिस ने अपने लिए चिप्स लाया, मेरे लिए कुछ लाया था। हाँ आप ही के लिए कुछ लाया, बड़ा तो कंजूस है। फिर लाया था ना चिंगम, ये बस एक ही चिंगम लाया, बस और कुछ नहीं लाया। और आपको भी दूंगा ना चिप्स। हाँ ठीक है। डिग्री स्टेशन के अंदर से हम जा रहे हैं वापस घर। खुल ही नहीं रहा। भाग दो। हाँ घर में पहुंच चुकी हूँ। तो मैं और वसीम इधर साइड धूप में बैठे हुए, धूप सेक रहे हैं। आरिस चला गया अंदर मम्मा के पास, साहब भी। अभी हम इधर धूप सेक रहे हैं। ये मेरा भाई इब्रार क्या कर रहा है, पॉलीथिन का काइट बना रहा है, पतंग बना रहा है इब्रार। मुझे वसीम को देखिए बड़ी हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि वसीम नोबड़ा बना हुआ है। वेबसाइट खोलो है वसीम की। वसीम क्या भाई वेबसाइट खोलो है जल्दी से। वेबसाइट खोले ग्राहक को तो बड़ी तगड़े मैसेज आ रहे हैं। तो यही तो बात है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे कि फ्री फायर का दादा यही है। अब इतना छोटा कर दिया पतंग को। मैं तार गला ना पता। पतंग तो नहीं बनाना मैं। हाँ। क्यों नहीं? इधर बराबर, इधर कटना। ऐसा। आन दे बात। आ चुके हैं अंदर। आरिस, खाना खा लिया तूने? पेट भर के खा लिया। मेरे लिए मेरा वेट नहीं किया तूने ना? हाँ? मैं करूँ बहुत भूख। अच्छा भूख लगी थी, खाना खा लिया। ठीक है गाइस, तो मैं लगी हूँ अंदर खाना खाने दोपहर का। अभी खाना नहीं खाया, पेट में बहुत भूख लग चुकी है, बुढ़िया नाच रही है पेट में। मेरे भाई ने तो पतंग बना लिया, अब देखेंगे ये पतंग उड़ता भी है कि नहीं उड़ता। या फिर अभी इसने बनाया। उड़ाने की जांच होगी तो उड़ाएंगे ना। उड़ाने की जांच होगी तो उड़ाएंगे, बना नहीं उड़ाएंगे। तो क्या कर रहा है? तू भी उड़ाएगा, तू ध्यान रखना मत, तू पतंग के साथ तू भी उड़ के चला जाए फजलाबाद। ये हुसैफ भी आया है। हुसैफ तू किधर आ रहा है?
कहाँ है? पतंग के साथ उड़ जाएगा। अच्छा पतंग उड़ाने आया है, छतर है, छतर उड़ना है, छतर उड़ने आए, मजा छतर उड़ना है। आपके पास, आपके पास, आपके पास नहीं आता, ये क्या कर रहा है? इधर पास क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? इधर पास है। मम्मा कहाँ है? ओ गिर जाएगा, ओ गिर गया, गया। उड़ा फिर पतंग को, साथ में आरिस को भी उड़ा देना, हुज़ैफ को भी उड़ा देना, ताकि यास्मीन आप के पास जाके पहुंच जाए। सौ लाख नहीं डोर, सौ लाख का तो फिर एरोप्लेन ले ले, सौ लाख की डोर को लेके क्या करेगा? हम बेचैन हो रहे हैं इब्रार का पतंग देखने के लिए कि ये उड़ता भी है कि नहीं उड़ता। अगर उड़ गया तो 10 रुपए इनाम दे देंगे हम इसको। 10 रुपए नहीं, चलो 1-2 रुपए इनाम मिल जाएगा। कितने इनाम इब्राहिम, कितना इनाम चाहिए? 1 रुपया इनाम, ठीक है 1 रुपया इनाम तेरे को मिल जाएगा। तो बस पतंग उड़ा, पतंग उड़ा रहा है 1 रुपए लिए, 1 रुपए के लिए ओके पतंग उड़ा रहा है इब्राहिम। वैसे इनाम 1 रुपया मिले या 2 रुपए मिले, इनाम तो इनाम ही होता है, बड़ी चीज होती है। बड़ी चीज तो बड़ी चीज होती है, कोई छोटी तो। हाँ यस, उड़ा रही, उड़ा रही। हाँ हाँ उड़ा गया, उड़ गया, उड़ गया, 1 रुपया मिल जाएगा इसको। उड़ा नहीं, ना ना ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरा 1 रुपया फिर मैं ही चिंगम लेके खा लूंगी। ये मेरी मम्मा ने मिर्चे रखी हुई यहाँ पे सूखने के लिए, बाद में हम इसकी चटनी बनाएंगे। फिर उड़ा, उड़ाना, चलो उड़ गया, उड़ा उड़ा, टीम चारा कंगी देने के लिए। अब उड़ गया, नहीं उड़ पा रहा, उड़ा एक आ गया, वाह उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ा उड़ा उड़ा, ओह ब्रो इब्राहिम बाबू, ओए इब्राहिम बाबू, तुझे पता चल गया? किसी ने पतंग बनाना है तो इब्राहिम के पास आ जाए, इब्राहिम फ्री में उनको पतंग बना के देगा। बोरिया तोड़े लेके आ जाए, मेरे भाई ने पतंग बनाया था उसने उड़ा दिया, अब उसके लिए इंतजाम करना है 1 रुपए का, 1 रुपया उसको देना इनाम, तो 1 रुपया नहीं 10 रुपए उसको इनाम दे देंगे। तो इब्राहिम को इनाम, इब्राहिम का 10 रुपए इब्राहिम को देने लगी हूँ 10 रुपए इनाम, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत करके पतंग बनाया और उड़ा के भी मुझे उसने बताया। तो 10 रुपए इनाम तुझे दिया मैंने, मैंने 10 रुपए दिए, लेकिन इस कंजूस लड़के ने थैंक यू भी नहीं दिया किया। हाँ क्या बात हो गई यार, ये तो गजब। ठीक है बाय गाइस, तो आज का व्लॉग बस इतना ही, ठीक है बाय बाय। ये पतंग उड़ रहा है मेरे भाई का, इतनी ऊंचाई में इसने पतंग उड़ा रहा है, ये क्या बात है, वाओ, ये तो वेरी नाइस।